इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। बीकानेर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर की आज पत्रकार वार्ता सर्किट हाउस में भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह राठौर बीकानेर आगमन पर पत्रकारों से भेंट वार्ता की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पत्रकारों ने भी कई सवाल पूछे। बीकानेर से रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। मैंने जितनी भी आपकी बजटीय घोषणा बीकानेर से संबंधित गिनाई, मेरा दावा है कि मेरी एक घोषणा को भी अगर मंत्री गलत सिद्ध कर दे तो मैं जो दंड के उस दंड का भागी बनने को तैयार हूं। इस सरकार का किसी प्रकार के वित्तीय अनुशासन के अंदर कोई सरोकारता सरकार रख नहीं रही, इसलिए आज सरकार अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए जब असंवैधानिक रूप से सलाहकार नियुक्त कर सकती है तो ये ऐसी सरकार अपने मंत्रियों को खुश रखने के लिए भी नई नई गाड़ियां दे सकती है। ऐसे मौके पर जब सरकार का खुद का यह कहना है कि उनका 20,000 करोड़ से ज्यादा का ऑन टैक्स रेवेन्यू में कमी वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आई, अब इन नई गाड़ियों खरीदना एक तरह से सरकार के गरीब के जनता के कर के पैसों की लूट है। राठौर साहब, आप बीकानेर को लेकर बता रहे थे, बीकानेर में ये समस्या, वो समस्या अच्छी बात है, बजट घोषणा हुई नहीं, नगर निगम का मुद्दा सामने है, महापौर आपकी पार्टी की है, कुछ महापौर को साधन सभा कितने साल लास्ट कब की थी, आज वही समस्या शहर की, जो नगर निगम के जिम्मे एक भी नहीं होनी चाहिए, आवारा पशु ले, सड़कों का निर्माण ले, सफाई व्यवस्था को ले, रोड लाइट को ले, उसके लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती। नहीं, आज जिस प्रकार की हालात बना रखी है बीकानेर नगर निगम की, 8-8 बार कमिश्नर को बदल देना और इस मैंडेट के साथ कि वो किसी भी प्रकार से चुनी हुई नगर निगम की मेयर को सहयोग नहीं करे, मैं समझता हूँ उसी की परिणति फेल है आपका, उसी नहीं, फिर नगर निगम का बोर्ड फेल हो गया, एक आईएएस के सामने पूरा बोर्ड ही फेल हो गया। जब आज एग्जीक्यूटिव पावर जिनके माध्यम से नगर निगम को अपने प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट कराना है, अगर वो एजेंसी पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ काम करना प्रारंभ करेगी तो निश्चित तौर पर कामकाज की में कमियां आएगी, आ रही है। इसमें एक प्रश्न जोड़ देता हूं सर, ये तो आईएएस के ऊपर तो ठीक है, पर आप खुद के लोग लड़ रहे हैं आपस में, अभी 2-3 दिन पहले नगर निगम में हंगामा हुआ फाइलों को लेकर, किस स्थान पर आपस में जो भाजपा के पार्षद है और आपके मेयर है, तो अपना घर भी तो देखें सर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक कैडर के साथ अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, इस प्रकार की जब कभी भी बात आती है तो हमारे संगठन के लोग उसमें इंटरफेरेंस करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज अभी मेरे ध्यान में मुद्दा आया, अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, करेंगे इसको निश्चित तौर। सर, कांग्रेस के साथ बिजली कंपनी की मनमानी को लेकर बात की जाती है तो वो हमेशा कहते हैं कि भाजपा का एक एमओयू हुआ, निश्चित तौर पर मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ, तो जैसे आप अपनी बाकी सारी मांगे कह रहे हैं तो क्या ये एमओयू सार्वजनिक करने की मांग भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कहते हैं कि एक एमओयू हुआ था जिसमें हम बिजली का, भारतीय जनता पार्टी के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णय को बदलने के नाम पर सारे इन्होंने 2 साल तक कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर जन बल के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रही। निश्चित तौर पर एक बार छोटा सा एक प्रोटोकॉल के अनुसार मौका मिला था जब हमने जयपुर में कुछ कार्यक्रम भी किए थे, अब जब कभी भी हमें ये प्रोटोकॉल के अनुसार जन संग्रह करके एक विरोध करने का मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर हम सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर्वे में 4 दिन पहले आया कि विपक्ष कमजोर है राजस्थान का, मैं उस सर्वे पर कोई बात उठाना नहीं चाहता, पर मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा और विधानसभा के बाहर जिस भी प्लेटफार्म पर हमें अनुमति मिली, चाहे वो वर्चुअल प्लेटफार्म रहा हो चाहे विधानसभा का मंच रहा हो, हमने जनता की आवाज बनने का पूरा प्रयास किया और जनता की आवाज बने भी। अब उस सर्वे के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, सर्वे क्यों और कैसे आया। जिस भाजपा ने गाय को लेकर चुनाव लड़ा था उस गाय के लिए देवी सिंह भाटिया एकमात्र धरने पर अनशन पर बैठे हैं, भाजपा का कोई भी नेता वहां जाकर उसको समर्थन, देखिए देवी सिंह जी भाटिका एक जिस गाय को भाजपा अपनी मां मान रही थी, आज वो भाजपा उस मुद्दे से किनारे हो रही थी कि आपने लैंड बोर्ड की गोचर भूमि पर आंदोलन चल रहा है। देखिए बात यह देवी सिंह जी भाटिका अपना एक व्यक्तिगत आंदोलन है, पर जो हमने बात कही गोचर बोर्ड की बात सरकार ने की थी, निश्चित मंच पर निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। हम गोचर और औरण को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को और बुलंद करेगी।
और देवी सिंह जी का जो ने कदम उठाया है उसके उससे हम इसलिए अपने आप को अलग महसूस नहीं करेंगे कि उन्होंने उठाया है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के कोई भी नुमाइंदे उठाए पर जनहित के साथ जुड़े हुए मुद्दे के साथ उनका समर्थन करना हमारी नीति का। भाजपा क्या उससे जुड़ने वाली है क्या, उस आंदोलन से जुड़ने वाली है क्या? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इसके बारे में निश्चित तौर पर समय पर, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना है, मैं जब इन मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहला मंच जो हमें मिल रहा है 9 तारीख से विधानसभा का, उस विधानसभा में हम इस बात को मुखर तौर पर उठाएंगे। क्योंकि इसी सरकार ने कहा था कि गोचरों का नियमन किसी हालत में नहीं हो सकता और यही सरकार लेकर आई है कि गोचर का नियमन करके और 1986 के बाद के लोगों को पट्टा जारी करना, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं पर आप कोरोना की बात करें लेकिन कोरोना के बीच भी आपके पूर्व विधायक और पदाधिकारी तो वहां धरने पे बैठे हैं, फिर भाजपा को जाने में क्या आपत्ति है? हम उचित मंच पर अपनी बात को निश्चित तौर पर उनके सुर में सुर नहीं मिला के हम अपनी बात को अलग तरीके से उठाएंगे, निश्चित तौर पर कहेंगे करेंगे इसको। आपके स्तर का एक प्रश्न और है, आईएएस रूल संशोधन को लेकर पूरे देश में जो बात चल रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी